शांति आज की तारीख है छ पांच तेईस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे -मीठे देने वाले और हम बच्चों की जीवन श्रेष्ठ बनाने वाले तथा जन्म जन्मांतर के लिए हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल माता पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो आशीर्वाद लेने में कभी भी भूल नहीं करनी है प्रश्न है बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते उत्तर है पतित से पावन बनने का मार्ग बाबा बतलाते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं ये मार्ग किसी को भी पता नहीं है अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती बाप ने तुम्हें मार्ग बताया कि बच्चे देह सहत सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो इससे ही पावन बनेंगे गीत बजा है ले लो ले लो दुआएं माँ बाप की सर से उतरेगी गठरी पाप की धारणा के लिए मुख्य ज्ञान के दो ज्ञान बिंदु नंबर एक बाप की श्रीमत पर पूरा चलकर बाप का राइट हैंड बन पूरा राइटियस बनना है बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है नंबर दो माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है इसीलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है बाप समान निरहंकारी बनना है वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का की मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव की बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के तीन प्रकार के खाते जमा हैं जो यज्ञ स्नेही है वह वा मनसा वाचा कर्मणा तन, मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं हर खाते की सौ मार्क्स हैं तो बाबा ने पहले एक प्रकार बताया बच्चों का अब ये दूसरी बात अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम न हो वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है और फिर तीसरी कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना यह भी कर्म के खाते में जमा होता है स्लोगन है अपने ऊपर राज्य करने वाले अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो साथियों पर राज्य करने वाले नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति